दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी अच्छे रहें। देखा जाता है कि किसी किसी व्यक्ति के शरीर में हार्मोन्स की कमी होने के कारण उसके शरीर के किसी अंग की पुष्टि पूरी तरह नहीं हो पाती है, इसलिए उस हार्मोन को शरीर में पैदा करने की औषधि का सेवन करना जरूरी होता है। जैसे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स पूरी मात्रा में न होने के कारण व्यक्ति के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं और कभी कभी व्यक्ति गंजा भी हो जाता है। हार्मोन्स की इस कमी को दूर करने के लिए थायरोडिनम 30 या 200 का एक मात्रा सप्ताह में एक बार अवश्य लेना चाहिए। 30 हो तो दिन में दो बार और 200 हो तो 3 या 4 दिन या हफ्ते में एक बार। इस तरह से लेने से ये थायरोडिनम जो है वो हार्मोन से कमी पूरी करती है तथा रोगी के बाल सफ़ेद नहीं होते और झड़ते भी नहीं हैं। दूसरी जो हमारी दवा है वो है सिलेनियम। शीत प्रकृति के रोगियों की आँखों की भौहों के और मूछों के और जननेंद्रियों के बाल झड़ने पर सिलेनियम औषधि बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। इसी 30 या 200 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार दें। गर्म प्रकृति के रोगियों के बाल अपने आप ही झड़ने लगते हैं तो उन्हें फ्लोरिक एसिड की 6 या 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार अवश्य दें। एसिड फॉस, किसी व्यक्ति के बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो जाने पर किसी चिंता कारण झड़ने लगने पर एसिड फॉस 30 की पोटेंसी की दवा बहुत ही लाभ देती है। मेजेरियम, किसी व्यक्ति के सिर में रूसी हो जाना, बालों की खुश्की हो जाना, सिर पर चाक की तरह की पपड़ियां हो जाना, सिर में हर समय खुजली सी मस्त रहना आदि बालों के रोग के लक्षणों में मेजेरियम 6 या 30 की पोटेंसी की दवा बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। नाइट्रिक एसिड, हमारी जो अभी की आखिरी जो दवा है वो है नाइट्रिक एसिड। किसी व्यक्ति के बालों के झड़ने के साथ साथ अगर उसके सिर पर पीपदार फुंसियाँ भी निकल आएँ और जिसके कारण वह सिर में हाथ भी नहीं लगा सकता तो ऐसे बालों के रोगी को के लिए नाइट्रिक एसिड 6 या 30 के पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार देना चाहिए। ये थी आज के बालों की समस्या को समाधान करने की कुछ औषधियाँ। इसके अलावा भी और बहुत सारी औषधियाँ हैं जो हम आपको अगले टिप्स में बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। लॉन्ग लिव हनीमैन, लॉन्ग लिव होम्योपैथी।